हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है क्विक वर्ड्स में। और आज हर कोई कतर के अगेंस्ट नेपाल की शानदार जीत के बारे में बात कर रहा है और दीपेंद्र सिंह ऐरी की विस्फोटक बल्लेबाजी की बात हर कहीं हो रही है, और जो सही भी है, बात होनी भी चाहिए और जिसको वो डिजर्व भी करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कमाल करके दिखाया, 6 बॉल पे 6 छक्के मारे, एक एलीट लिस्ट में अपना नाम जो दर्ज करवाया है दोस्तों, वो कमाल है और जिसकी तारीफ हमेशा होनी चाहिए और होती भी रहेगी दोस्तों। और दोस्तों, जिस तरह से वर्ल्ड मीडिया में दीपेंद्र सिंह ऐरी और नेपाल क्रिकेट के राइज के बारे में आजकल बात हो रही है दोस्तों, बहुत अच्छा साइन है कि फ्यूचर में जाकर नेपाल का जो भविष्य है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं नेपाल को एक बहुत बड़ी अटेंशन मिली, नेपाली क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली है और जिसका फ़ायदा नेपाल को श्योरली होने वाला है दोस्तों। लेकिन आज इसी जगह चौंध के बीच में नेपाल के एक ऐसे सितारे को अंधेरे में जीना पड़ रहा है जिसकी रोशनी से पूरी नेपाली टीम को पूरे वर्ल्ड में पहचाना जा रहा था। मैं बात कर रहा हूँ संदीप लामिछाने के बारे में। जब नेपाल हारती है तो सबको संदीप लामिछाने याद आता है, जब नेपाल जीतती है तो हर कोई संदीप लामिछाने को भुला जाता है। और आप लोग कहेंगे, आज संदीप लामिछाने के बारे में अचानक क्यों बात कर रहा हूँ? तो आपको बता दूं दोस्तों कि आज उस संदीप को लोग धीरे धीरे भुला रहे हैं जिसने पिछले साल की बात है 2023 में 27 अप्रैल के दिन नेपाल को ACC मेंस प्रीमियर कप में कतार के अगेंस्ट जीत दिलाई थी। और संदीप का एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस ही थी जिसकी वजह से नेपाल सेमीफाइनल में पहुंच पाई थी। मुझे लगा उन लोगों को आज ही याद दिलाना बहुत जरूरी है जो संदीप को भुला गए हैं, और उनको बताना जरूरी है कि संदीप ने किस तरीके से अपने बलबूते पर, अपने दम पर नेपाल को मैच जिताया था दोस्तों। तो आज वो हिस्ट्री जो है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। उस मैच के कुछ क्लिप्स हैं, मैच के कुछ जो बातें हैं आपको बताने जा रहा हूँ, और क्या क्या किस तरह से नेपाल ने उस मैच को कितने रोमांचक तरीके से जीता था, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों। और मेरी ये जो छोटी सी कोशिश है उसको अगर आप पसंद करते हैं तो दोस्तों शेयर भी जरूर कर देना वीडियो को। तो आइए दोस्तों, अब मैच के बारे में बताता हूँ आपको, मैच में किस तरीके से क्या क्या हुआ था। तो जिसमें नेपाल ने पहले बैटिंग की थी और अपने धुरंधर जो बैटर्स हैं उस मैच में बिल्कुल भी फिसड्डी साबित हुए थे। अपना टॉप ऑर्डर आप सभी को पता है कि किस तरह से काम कर रहा था उस टाइम में, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था टॉप ऑर्डर। और अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर ने भी कतर के बॉलर्स के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, जहाँ पर 111 रन के टोटल पर ऑलमोस्ट पूरी जो टीम है वो पवेलियन लौट चुकी थी दोस्तों। बात करें खुशेल बुर्तेल जिन्होंने 2 रन बनाए थे, आसिफ शेख जिन्होंने 19 रन बनाए 27 बॉल पे, भीम सारगी जिन्होंने 6, रोहित पौडेल 27 रन बना के आउट हुए 36 बॉल पर, सोमपाल कामी 11 रन बनाए 27 बॉल पे, खुशल मल्ला जिन्होंने 5 बॉल खेलकर 3 रन बनाए ओनली, आरिफ शेख जिन्होंने 27 बॉल खेल के 11, दीपेंद्र सिंह ऐरी जिन्होंने 19 बॉल खेलकर 12 रन बनाए, और गुलशन झा एक ऐसी उम्मीद थी जहाँ पर लग रहा था कि भाई गुलशन झा अगर टिक जाते हैं तो शायद जो स्कोर है थोड़ा ऊपर हो पाएगा, एक नाक रखने वाली जो स्कोर है शायद इतना तक बन पाएगा। लेकिन दोस्तों उन्होंने भी बीच रास्ते पर साथ छोड़ दिया और पहले तो एक छक्का मारा, फिर उसके बाद में छक्के के चक्कर में ही कैच देकर पवेलियन वापस लौट गए दोस्तों। और दोस्तों आखिरी जो जोड़ी रह गई क्रीज पर वो थी संदीप लामिछाने और ललित राजवंशी, जहाँ पर उम्मीदें किसी से कुछ नहीं थी और लग रहा था कि ज़्यादा ज़्यादा मैच कितने रन बन जाएंगे, मतलब 5 या 10 15, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बन सकता, और हर किसी का यही मानना था। लेकिन दोस्तों उस दिन ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने की होगी, जहाँ पर इस तरीके संदीप लामिछाने ने बॉलर्स को पीटा कि 58 बॉल पर 42 रन बना डाले, जिसमें 6 चौके मारकर नॉट आउट रहे और टीम का स्कोर 40 ओवर्स में 157 पहुंचा डाला। एक टाइम में ऐसा था जहाँ पर 115-120 ऐसा स्कोर लग रहा था मैक्सिमम, लेकिन दोस्तों 157 बन पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। फिर नेपाल की बॉलिंग आती और संदीप लामिछाने ने यहाँ पर भी कमाल करके दिखाया, जहाँ पर उन्होंने 5 विकेट लिए और 25 ओवर खेलकर पूरी जो टीम है कतर की टीम वो पवेलियन लौट गई और केवल 89 ही रन बना पाई दोस्त। और ये जो संभव हुआ वो संदीप लामिछाने के एक शानदार बॉलिंग की वजह से हुआ, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संदीप लामिछाने का बहुत बड़ा योगदान रहा जिसकी वजह से जीत पाए उस मैच में दोस्तों। और बस एक ही ऐसा वाकया नहीं है, बहुत बार संदीप लामिछाने ये साबित किया है कि संदीप लामिछाने टीम की कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज के टाइम में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि नेपाल के इस बड़े स्टार का जो भविष्य है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है। मैं बस आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि कमेंट में जस्टिस फॉर संदीप लामिछाने लिखें और संदीप को जल्दी से न्याय मिल पाए इसकी कामना करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।